गणेश जी की फेवरेट खाने की चीज है मोदक, और गणेश चतुर्थी पर मोदक आपको पूरे भारत में ही बनता हुआ मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया के सबसे मशहूर मोदक में से एक की मेकिंग, सीधा राजस्थान के बाड़मेर जिले से, और ये ऐसा मोदक है जिसके लिए पूरा राजस्थान दीवाना है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैदा ली गई है, उसको पानी में डाला गया है मैदा की मल्ली बनाने के लिए। दुनिया में बहुत तरह के मोदक बनते हैं, लेकिन ये मैदा वाला मोदक पूरे भारत में आपको केवल यही बनता हुआ मिलेगा, और वो भी केवल गणेश चतुर्थी वाले दिन। लगातार 5-6 मिनट तक मैदा को पानी में अच्छे से मिलाया जाएगा हाथ से। अब देखिए इसकी मल्ली है वो तैयार हो चुकी है, अब इसे यहाँ से लेकर जाया जाएगा अगले स्टेप के लिए। तो देखिए कढ़ाई के पास ले आए हैं मल्ली को, जहाँ पे पहले से ही रखी है, इसी के अंदर इस मल्ली को भी उलट दिया गया है। अब देखिए कढ़ाई के अंदर घी लिया जा रहा है, और जो घी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वो केवल सरस डेयरी का देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। घी अब अपना गर्म हो चुका है, और जो मल्ली आई थी अब मल्ली ली गई है, और मल्ली को देखिए झरन के ऊपर डाला जा रहा है। ऊपर से मल्ली डाली जा रही है, और नीचे से ये बूंद बूंद करके गिर रही है कढ़ाई में घी के अंदर, जहां पर ये फ्राई होगी। तो जो मल्ली तैयार हुई है उससे यहाँ पे बूंदी उतारी जाएगी पहले, और कढ़ाई के अंदर घी इतना गर्म है कि बूंदी डलते ही सेकंड्स के अंदर ही फ्राई होके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से जितनी भी मल्ली आई है वो सारी झरन के ऊपर डाली जाएगी, इसमें से नीचे बूंदी निकलेंगी कढ़ाई में। कढ़ाई में ये बूंदी सेकंड्स के अंदर फ्राई होगी, और फ्राई होने के बाद इसे बाहर निकाल लिया जाएगा, जहां पे चाशनी में डाली जाएगी। और जैसे जैसे बूंदी चाशनी में मिलती रहेगी इसमें लाइटिश ऑरेंज कलर आता रहेगा, और ये कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया है, केवल मैदा के पकने से जो कलर आया है सिर्फ वही है। अब इस बूंदी को यहाँ से लेकर जाया जाएगा बाहर, जहाँ इसे परात में उलट लिया जाएगा ठंडा करने के लिए। तो देखिए जो बूंदी है उसे पूरी परात में फैलाया जा रहा है कि ये ठंडी हो सके, और कोई आधे से पौन घंटे से छोड़ दिया जाएगा कि ये बढ़िया तरह से ठंडी हो जाए, उसके बाद अगला प्रोसेस होगा। अभी कोई आधा घंटा हो चुका है, बूंदी अब ठंडी हो चुकी है। अब इन्हें यहाँ से आगे पकड़ाया जा रहा है, जहाँ पर इन बूंदी से मोदक बनाए जाएंगे। और मोदक बनाने के लिए देखिए बूंदी को हाथ से अच्छे से मिलाया जा रहा है, फिर इसे हाथ में लिया जाएगा, और छोटी छोटी बॉल्स करके इसके लड्डू जैसी शेप में मोदक बनाए जाएंगे। मोदक की टिपिकल शेप अलग होती है, लेकिन यहाँ पर लड्डू वाली शेप में ही मोदक बनाए जाते हैं। तो देखिए बहुत सारी औरतें हैं जो कि जितनी भी यहाँ पर बूंदी आती रहेगी उसे हाथ से लेंगी, और उसे लड्डू की शेप दे देकर यहाँ पर मोदक तैयार करेंगी। तो देखिए मोदक अपना इसी तरीके से रेडी होता रहेगा, और तैयार होने के बाद इसके ऊपर चांदी का वरक लगाया जाएगा। जो चांदी का वरक इस्तेमाल किया जाता है वो चमड़े में बने हुआ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मशीन मेड चांदी का वरक इस्तेमाल किया जाता है। चांदी का वरक लगने के बाद मोदक अपने तैयार हो गए हैं, अब इन्हें यहाँ से डब्बों में लिया जाएगा, और फिर इन डब्बों को भगवान श्री गणेश को भोग लगाया जाएगा। ये जो मैदा वाला मोदक अपना तैयार हुआ है ये पूरे साल में केवल गणेश चतुर्थी वाले दिन ही बनाया जाता है, और इसको लेने के लिए देश के कोने कोने से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप आइए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए, आपको मैं गारंटी लेता हूँ इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। एड्रेस है महेश फोटोकॉपी वाली गली, नयापुरा, बालोतरा, राजस्थान, सावरिया सेठ का जाएगा। ये आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं, इस पर कांटेक्ट कीजिए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए।